नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी, आपके साथ फेस टू फेस में मैं हूं पंकज रौतेला। नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई हिंसा को लेकर 3 दिन तक दिल्ली जलती रही। हर आदमी के मन में कई सवालों ने घर भी किया कि 3 दिन तक दिल्ली जल रही थी, पुलिस आखिरकार कर क्या रही थी, सिस्टम क्या कर रहा था, निष्क्रिय क्यों हो रहा था, खामोश क्यों बैठा था, आखिर पुलिस ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। ये साफ तौर पर ये सवाल आपके जहन में भी होंगे और इस पर चर्चा शुरू हो चली है, वार पलटवार भी हो चला है। दिल्ली पुलिस का खुफिया तंत्र क्या नाकाम रहा है इस पूरे मामले पर, क्योंकि 3 दिन आज जाकर कहीं शांति है, शांति नहीं कहिए, सन्नाटा है, सन्नाटे की भी शांति खोज रहे हैं हम। आज इसी पर बात होगी, फेस टू फेस होगा और फेस टू फेस में अनिरुद्ध सिंह बीजेपी से होंगे, अकील खान साहब आम आदमी पार्टी से होंगे। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। पहले खबर क्या कह रही है रिपोर्ट के जरिए वो आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के सबसे घनी आबादी वाले इलाके उत्तर पूर्वी दिल्ली में 3 दिन तक जारी रही हिंसा की खबरें देखने सुनने और समझने के बाद आपके जहन में कई सवाल जरूर आ रहे होंगे। सवाल ये कि दिल्ली पुलिस आखिर 3 दिन तक खामोश क्यों रही, उपद्रवी मनमानी करते रहे और पुलिस मुखदर्शक बनी रही। उसने कभी जमीन पर लाठी फटकारी तो कभी दूर से आंसू गैस के गोले छोड़े, वो भी तब जब दंगाई फायरिंग कर रहे थे। पुलिस वालों के सामने आगजनी हो रही थी लेकिन पुलिस असहाय होकर देख रही थी। और तो और दिल्ली जल रही थी तो इधर विपक्षी पार्टियों को भी सरकार को घेरने का मौका मिल ही गया, वो भी पूछ रही है। साथ ही दिल्ली हिंसा के लिए भड़काऊ बयानों और भाषणों को जिम्मेदार बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। एक ऐसा बयान एक भाजपा नेता के द्वारा पिछले इतवार को भी दिया गया, जब उसने दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 दिन बीतने के बाद हमें कुछ नहीं कहना। तो वहीं कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग भी कर डाली है। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार खासतौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जी जागिए, आप मीटिंग बुलाते हैं सर्वदलीय बैठक की औपचारिकता मात्र पूरी करते हैं और आपकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? कपिल मिश्रा खुलेआम दंगे भड़काने की बात कर रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र क्यों कि एक तरफ गृह मंत्री मीटिंग करते हैं हाई लेवल और दूसरी तरफ उनके नेता भड़काने की कोशिश करते हैं। तो सियासी बयानों की बयार के बीच सवाल तो छुपाए छुप नहीं सकते। यहाँ एक सवाल हर किसी के मन में जरूर होगा कि ऐसा हुआ क्यों और दिल्ली पुलिस खामोश क्यों रही। दिल्ली पुलिस की चूक की बात करें तो शनिवार की रात अचानक सैकड़ों महिलाएं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर इकट्ठा थी, ये खबर दिल्ली पुलिस के पास नहीं थी। अगर खबर थी भी तो पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया नहीं। असल में पिछले 3 साल से दिल्ली पुलिस की एक अजीब सी तस्वीर देखने को मिली है। यहाँ जुगाड़ प्रथा चलन दिखाई दिया है, हर एक फैसले के लिए ऊपर से आदेश आने का इंतजार किया जाता रहा है। साथ ही प्रथा कागजों पर पुलिस को अति स्मार्ट दिखाने की भी रही है। लेकिन दिल्ली जल गई, सारी की सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह गई और यहाँ सवालों की झड़ी लग गई। क्यों 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, आखिर 3 दिन तक क्यों सियासत और सिस्टम खामोश बैठा रहा, खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं तो और क्या है ये? हिंसा के पहले दिन ही सियासी गलियारे में क्यों हलचल नहीं देखी गई? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
तो तीन दिन तक दिल्ली में हिंसा हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ, गोलियां चली, लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोई कुछ नहीं बोला, सबने चुप्पी साध ली, सिस्टम सियासत सब खामोश थी। लेकिन आज जब कांग्रेस सामने आई, कांग्रेस ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी गृहमंत्री की होती है, प्रधानमंत्री की होती है, और ऐसे मामलों पर अगर नहीं संभाल पाए तो आप इस्तीफा दे दीजिए। तो बारी अब बीजेपी की थी। प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी से निकल कर आए, उन्होंने क्या कहा वो भी देख लीजिए। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने थोड़े समय पहले जो दिल्ली के हिंसा के बारे में बयान दिया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदा करने लायक है। अभी हिंसा समाप्त हो रही है, अभी लोग जख्मी है, हॉस्पिटलों में है, अभी जांच की शुरुआत हुई है। ऐसे में सभी पार्टियों का काम होता है कि शांति स्थायी हो और उसमें मदद करे, उसके बजाय सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है। गंदी राजनीति है या अच्छी राजनीति है, लेकिन सीएए पर सिर्फ दिल्ली नहीं देश का दिल जल गया साहब। दिल्ली की हिंसा में सिस्टम का भी हिसाब किताब हो गया। तीन दिन धुआं धुआं, तीन दिन बाद आज हुआं हुआं हो रही है सियासत में। अनिरुद्ध जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, आपके पास मैं सीधे आ रहा हूं, और आपके सामने अखिल खान है आम आदमी पार्टी के। सवाल जवाब आप आपस में करिएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब कि तीन दिन तक दिल्ली जलती रही, कहां पर चूक देखने को मिली है? देखिए, ये मत कहिए कि जांच अब शुरू होगी। जी, स्मार्ट पुलिस है दिल्ली की और खुफिया तंत्र है, सब चीजें हैं। क्या इंतजार किया गया कि इतने लोगों की जान जाएगी, आगजनी होगी, घर जल जाएंगे, दुकानें जल जाएंगी और उसके बाद जांच बैठाएंगे? देखिए, ये बहुत समझने वाला विषय है, और हमें लगता समझने वाला भी नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ओपन एंड शट केस है कि अगर वही दिल्ली पुलिस जामिया के अंदर जाती तो लोग हाय दैया चिल्लाने लगते, छाती पीटने लगते, दिल्ली पुलिस ने एक्शन क्यों लिया, कैसे लिया। उसके बाद में दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पे बाप रे बाप इतनी मतलब भीड़, हर पार्टी के अपोजिशन के लीडर आ जाते हैं, वामपंथी लोग एकदम वहीं पर घर बना लेते हैं। उसके बाद जेएनयू की बारी आती तो वहाँ पर अरे दिल्ली ने क्या किया, कैसे दिल्ली पुलिस को नहीं गई, ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको प्रिकॉशनरी। उसके बाद मामला आता शाहीन बाग का। शाहीन बाग में क्या हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दिल्ली पुलिस और जो प्रदेश की राज्य सरकार है दोनों जाएं विनम्रता के साथ। दिल्ली पुलिस विनम्रता का व्यवहार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट अगर वहीं पे विनम्रता की जगह हाथ जोड़ने का, दिल्ली पुलिस गई हाथ जोड़ के उनके अधिकारी बात किए कि भाई आप जाइए धरना करना, आप जाइए कहीं और करिए, रामलीला मैदान है, जंतर मंतर, क्योंकि ये वहां पे ऑलरेडी वहां पे धरना करने का स्थान है, आप जाइए वहां करिए, ये क्रोनोलॉजी समझिए। उसके बाद जब चुनाव होता है तो अमानतुल्लाह खान वहां से जीते 70,000 और विकास इनका 3,000 से जीतता है, और बाकी जगह उसके बाद क्या होता है कि ठीक है आप शाहीन बाग में करें, उसके बाद आप क्या किसी का रास्ता रोक सकते हैं, किसी की गाड़ी रोक सकते हैं, कोई एम्बुलेंस आप रोक सकते हैं, बच्चों के स्कूल जाने, पूरा कियोस्क क्रिएट कर दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तीन लोगों की समिति बनाई कि आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी अपना देख रहा, उनको भी देखना चाहिए कि 23 मार्च 15 मार्च, क्योंकि वो नहीं बोल रहे हैं कि ठीक अगर ऐसा कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कंप्लीट करे, क्योंकि दिल्ली पुलिस पे बार बार प्रश्न उठा जो कि कोई कॉम्पिटेंट पुलिस फोर्स है। उसके बाद सुन लीजिए अखिल जी, सुन लीजिए, अरे मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूं, मैं आपके कहने से नहीं बोलूंगा ना, जो है उसको सच्चाई जानिए अखिल जी, ये जानिए कि आप किसने लगाई, अमानतुल्लाह खान ने लगाई, तो जफराबाद नहीं बनने दिया जाएगा शाहीन बाग को, ये जान लीजिए, जफराबाद नहीं बनेगा शाहीन बाग को, जफराबाद नहीं बनेगा, पूरे समाज को भड़काना। क्या होता है कि पुलिस 37 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, आप जवाब दीजिए। शाहरुख खान, शाहरुख नाम का लड़का भैया नाम के पुलिस कांस्टेबल पे बम और बंदूक टांगता है, आर्मी के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पे तेजाब डाला जाता है, ये आप समझ लीजिए। जफराबाद को नहीं बनने दिया जाएगा शाहीन बाग, क्योंकि ये लोग हर जगह पूरे देश के अंदर एक कियोस्क क्रिएट करना चाह रहे हैं कि साहब ये कियोस्क क्रिएट होता जाए और इसको अंत में हिंदू मुस्लिम टर्न कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी किसको दिया है तगमा,
अरे साहब कितने बलात्कारियों का, कितने बलात्कारियों का आपने टिकट दिया देश के अरविंद केजरीवाल आपका घुंघरू सेट क्या कर रहा था, नाच रहा था क्या घुंघरू पहन के, वो अरविंद केजरीवाल घुंघरू सेट क्या घुंघरू पहन के नाच रहा था, ये लोग नहीं कौन है आप, कोई अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा था, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा था घुंघरू पहन के नाच रहा था दिल्ली के अंदर, उसको नहीं पता हमारे आतंकवादी को टिकट देता है, उसको सारे आतंकवादियों का सपोर्ट करता है, राजौरी गार्डन का, राजौरी गार्डन के अंदर एक और आपके चेयरमैन है, राजौरी गार्डन का सारा बलात्कारी है कि नहीं, सजा हुई नहीं, 43 एमएलए हैं जो बलात्कार के आरोप में है, अरविंद जी का घुंघरू पहन के नाच रहे थे बोले, अरविंद केजरीवाल राजघाट जाते हैं जफराबाद में क्या कर रहे थे जाके, अरविंद जी ने सबसे अरविंद जी ने अरविंद जी ने क्या किया है आप समझ लीजिए, कार्यवाही और ये बोल रहे थे मनीष सिसोदिया कि हम उनके साथ रहेंगे, ये लोग चिकन में काटेंगे, देशद्रोहियों के साथ ये रहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये रहते हैं, देशद्रोहियों के साथ ये, केजरीवाल देशद्रोहियों के साथ रहते हैं, केजरीवाल देशद्रोहियों का सपोर्ट करते हैं, देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करते हैं, ये सारे सारे ये लोग और ये वामपंथी विचारधारा के लोग देश को बांटने के लिए करते हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ाई के काम करते हैं, भगाएगी देश से छोड़ देश की जनता ने, अभी देखते हैं कितने एक्सपोज होते जाएंगे। अनिरुद्ध जी, अखिल जी, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, रुकिए रुकिए अखिल जी, सब कुछ और जब एक एक करके बात हाथ से एक जाती है तो दूसरे अच्छा प्रॉब्लम अमानतुल्लाह खान को साजिल इमाम, अरे अमानतुल्लाह खान क्या किया, क्या बताओ, अरे चला दिया पूरी दिल्ली को, अरे चला दी है कुछ फिजूल बस आतंकवादी दिल्ली को चला दिया, बात बताइए स्पेसिफिक क्या बताएं, सबको पता नहीं है, बताइए कुछ नहीं पता, जामिया में क्या हुआ था, जाफराबाद और जिन इलाकों में, अनुरोध जी एक बात, एक मिनट, देखिए इतना वक्त नहीं होता कि पूरी कहानी हम लोग अखिल जी, कुछ लोग भड़काते रहे माहौल, देखिए कुछ लोग भड़काते रहे माहौल को और कई लोग कानून की धज्जियां उड़ाते रहे, और मनीष सिसोदिया खड़े रहे और मुंह में दही जमा के, ये सूरत हाल है, सारे प्रूफ है, कोई गवाह नहीं है, सारे गवाह प्रूफ दुनिया देख रही है, शाहीन बाग के ऊपर रो रहा जा रहा है, अरे शाहीन बाग पे कौन, और वहाँ पे जो हो रहा है नहीं अनुज जी, अखिल जी का पाठ हो रहा है, अखिल जी का पाठ हो रहा है, अखिल जी आप सुनते भी हैं क्या, आपके गल में, अरे अनुज जी एक मिनट, इमाम मालिक चिकन ने कहा देखिए जनाब वहीं पे शाहीन बाग में हो रहा था, रुक जाइए 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 एक मिनट रुकिए, अखिल जी अखिल जी के साथ अखिल खान पार्टी के क्रोनोलॉजी है कुछ, आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के क्रोनोलॉजी है, स्पेसिफिक बात बताइए, नहीं हम तो सवाल पूछे उस सवाल का जवाब क्या है, की बात कर रहा हूं, अनुरोध जी अनुरोध जी अनुरोध जी, पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा, अखिल खान बीच में, अखिल खान आपकी गलत आदत है सर, 2010 में अखिल खान आपकी गलत आदत है, आप सुनते नहीं है, अखिल खान जी यही गुमराह, अच्छा आप बताइए एनपीआर का पार्ट ऑफ सेंसस, नहीं आप बताइए एनपीआर का पार्ट ऑफ सेंसस, एनपीआर क्या क्यों लाया आपने, और बताइए पार्ट ऑफ सेंसस है देश के विकास में एनपीआर का रोल है, अरे क्या घुसपैठियों को दे दे क्या यहाँ पे, अरे अमित शाह जी बोलते हैं कि एनपीआर से, अरे तुम जाके बोल लेना, आपके पास 62 एमएलए है ना, आप कौन एनपीआर दिल्ली में नहीं लागू होगा, अरे सुन लीजिए आप कौन है दिल्ली में एनपीआर नहीं लागू होगा, आप बोलो ना केजरीवाल के पास 62 एमएले, बोलो हम सीए को नहीं मानते एनपीआर नहीं लागू होगा, आप बोलो ना क्यों आप डबल गेम खेलते हो, आंसर दीजिए एनपीआर का पर्पस क्या, बताइए एनपीआर का पर्पस क्या है, अरे सेंसस का पर्पस क्या होता है, अरे बोलो ना केजरीवाल सेंसस लगे, सेंसस लगे पहली बार 2010 में एनपीआर आया,
है, उसके पहले भी सेंसर होती थी। अच्छा, उसके पहले एनपीआर से कोई कनेक्शन नहीं, सेंसर 2010 में एनपीआर नहीं हुआ। आखिर खान जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अनुरुद्ध जी एक मिनट रुकिए, अनुरुद्ध जी आप रुकिए प्लीज, आप रुकिए। एनपीआर का पूरा रिपोर्ट 2015 में आया। अखिल जी एक सवाल का जवाब दीजिए, एनालिसिस करके कुछ डेवलपमेंट का काम था जो अभी बोल रहे हैं। अखिल खान कुछ नहीं किया, एक सवाल का जवाब जनता चाहती है दिल्ली की, एक सवाल का जवाब चाहती है। द्रोह कब किया इन्होंने, दिल्ली को लूटा। अखिल जी सबसे ज्यादा अगर कोई बलात्कार, देखिए आपको सवाल जवाब के लिए बैठा दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है आपको समझ ले अपना। अनुरुद्ध सिंह, अनुरुद्ध सिंह हिंदू मुसलमान करते हैं हमेशा, जनाब आप ही की बात करते हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। अमित शर्मा आप दोनों डाइवर्ट कर रहे हैं, ये तेजाब आप दोनों डाइवर्ट कर रहे हैं सर, माफी चाहता हूं। करता हूं हमें चैलेंज करता हूं अखिल जी के खिलाफ, अगर कोई है अखिल जी, अरे राजौरी गार्डन बिठा के 3 साल किया है, आप चैलेंज किया, एक नाम बताइए। हमारे तो मैं बता दूं, सेंगर चिन्मयानंद, अरे आप अमानत उल्लाह खान को निकालिए, राजौरी गार्डन के विधायक ऊपर है नहीं बलात्कार करते, 73 आप बताइए के ऊपर की राशन कार्ड के ऊपर जो विधायक था उसका क्या किया आपने, इनको पूरा रिपोर्ट करा है, इनके आशोरी मिश्रा नाम की लड़की की हत्या हो डिसीजन है, सुसाइड कर लेती है, बताइए। केजरीवाल वुमेन एंपावरमेंट की बात करते हैं, पूरे क्रिमिनल चार्जेस, अरे 43 क्रिमिनल हीनियस क्राइम के विधायक हैं, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हीनियस क्राइम के विधायक, एक नाम बताइए, 43 हीनियस क्राइम के विधायक बताइए, एक नाम, अरे राजौरी गार्डन का विधायक जिसको कन्विक्टेड हो चुका 3 साल, क्या बताएंगे आप, आपको पता नहीं है, अरे झूठ पे झूठ बोलते हैं आप, पता करवाइए, अरे पता करवाइए, डेटा लेके आओ, बताइए, आप चैलेंज करो ना, अरे डेटा पे चैलेंज पे बोल रहा हूं, आप मैं तो यहाँ पर टीवी पे बैठे हुए हैं, आपके 43 एमएलए हैं, एक नाम बताइए, एक आम आदमी पार्टी वाले का नाम बताइए, उसने ये किया है, बताइए अपराध, बताइए, बताइए, सुनिए, और क्या चाहिए, क्या नाम है बताइए, अरविंद केजरीवाल आपका पूरा कोर्ट ने अखिल जी, अनुरोध जी एक बार आप चुप रहेंगे, राजौरी गार्डन के अनुरोध जी, अरे सोनिया मुझे हत्या किया, बताइए, अरे झूठ पे झूठ बोलते हो, क्या मजाक है साहब, क्या मजाक है, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, बीजेपी का अखिल खान, अरविंद केजरीवाल खुद देशद्रोहियों का साथ देते हैं, बेवकूफ बनाना और कुछ नहीं, अखिल खान एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब देंगे आप, एक सवाल का जवाब देंगे आप, मुसलमान ये करा रहे हैं बैठ के, अनुरुद्ध जी एक मिनट रुकिए, रुकिए एक मिनट रुकिए, अखिल खान आप रुकिए, 2 करोड़ जो आप देने की बजाय 3.5 करोड़, अखिल खान, अखिल खान ऐसे हुए, अच्छा अंडर डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में आ गया, ये नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये मुद्दा भी नहीं है, एक मिनट रुकिए, बताइए जवाब दीजिए, आपको पता ही नहीं है, एक मिनट रुकिए, नहीं अनुरुद्ध जी आप रुकिए, रुकिए ये भटकाइए मन मुद्दे, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे आपके 3 दिन तक, क्या कर रहे थे, यही 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 चीज आ गई, केजरीवाल जी की चीज इनके अंदर आ गई है, सुनते नहीं, अरे एक बार, अरे छोड़ो ना, बिजली देते हैं ये कहते हैं, आपके पास संजय दिया, बड़ा विकास किया, 3,000 से वो करवा रहे हो, 70,000 से वो क्यों कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल, अरे अरविंद केजरीवाल बड़ा कर रहे थे, नहीं अखिल खान जी एक सवाल, एक मिनट, अखिल जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी आप बोले, एक मिनट बोलिए, गांधी की समाधि पर बैठे आप मत बोलिए प्लीज, नहीं अखिल जी का एक सवाल का जवाब चाहिए, अमित शाह ने इंस्ट्रक्शन दिए, मारो गोली मारो, क्योंकि हमारा जो नहीं, आपने क्या किया, अखिल खान में जानना चाहता हूं आपसे, गोली मारो आपने, गोली, अरे आप अराजक सरकार, अराजक नेता, अराजक गृहमंत्री, आप अराजक व्यक्तियों को चुन के लेके आते हैं, पता चल गया आप अराजक, देश को पता चल चुका है कि अराजक सरकार, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर छूटता हुआ जा रहा है, अखिल खान से आम आदमी पार्टी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सवाल शायद जनता भी जानना चाहती होगी, लेकिन अखिल खान यहाँ पर बैठे हुए हैं, अखिल खान सुनना नहीं चाहते, सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि बीजेपी से सवाल हो गया, लेकिन दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी और दिल्ली के मुखिया की जिम्मेदारी क्या होगी, आवाज नीचे कर दीजिए इन दोनों, कोई फर्क नहीं, हाँ हाँ आपकी आवाज नीचे, अखिल जी नहीं आवाज जा रही है, आवाज नहीं जा रही है आपकी, देखिए देखिए एक सवाल है, जब आप केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, तो एक सवाल बनता है, हाल ही विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, देखिए सरकार की जिम्मेदारी क्या है, पुलिस अंडर नहीं आती है, आप तर्क दे सकते हैं, लेकिन अपने जो आपके वोटर हैं, जो आपके शहर के रहने वाले लोग हैं, आम जनता आपकी है, उनके लिए आपकी जवाबदेही क्या है, अखिल खान इसी सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप आरोप लगाइए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने
क्या किया कि ये आगजनी ना होती, ये लोगों की जान नहीं जाती, क्या कोशिश आपने की? सुनिए आप, सबसे पहली बात तो सुन लीजिए, लाइन ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पल्ला झाड़ दिया, खत्म, मरने दे जनता को, ये अमित शाह जनता को मरने दे। हमने कहा अगर हमें दे दिया जाता ये तो ये कोई मरने का चांस नहीं देता। अगर हमारे पास भी बात है, दूसरी बात अरविंद केजरीवाल, आप वसूली करो ना। नहीं, आपकी जवाबदेही क्या है ये बताइए ना, आप वसूली करो ना। आप मुझसे जवाब दे पूछ रहे हैं, आपसे जवाब है, अखिल जी से जवाब है, अगर आप चाहे तो दीजिए दीजिए दीजिए, मैं जवाब दीजिए। वन से स्टार्ट होगा, उन्होंने सबके मिले एमएलए की मीटिंग, आप भी तमाशबीन बने थे, उनको कहा लोगों का घर जला है, लोगों को देखो नहीं चलाते हो, गड़बड़ वसूली करवाते हो, क्योंकि आपके चाहे तो ने जलाया है, लेकिन ये चाहे तो जलाया है। दो दो घंटे तक लोगों ने फोन करते रहे, पुलिस ने फोन नहीं उठाया, और ये नियम आपका था, वो अरेस्ट वाले के लिए फादर ने बोला कि चार घंटे तक मैंने फोन शाहरुख बंदूक टांग रहा था दहिया के ऊपर और ये कह रहे फोन नहीं उठा रहा था। ये जो है पुलिस वालों को अरेस्ट, अरे ये इनको जेल में डालना चाहिए जिन्होंने बैठ करके उठाया नहीं उन्होंने, ये क्रिमिनल डिलीजेंस है। इन पुलिस वालों के अगेंस्ट में भी कार्रवाई करनी चाहिए, चार चार घंटे जो फादर ने बोला टीवी पे बोला है चार घंटे तक उन्होंने उठाया नहीं फोन, इनको फोरन अगेंस्ट में कार्रवाई करनी चाहिए। अगर क्या कर रहा था, क्यों नहीं वसूली की दिल्ली के जितनी प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्शन लेना चाहिए अमित शाह को, रिस्पॉन्स नहीं रिजाइन करना चाहिए, रिजाइन करके केजरीवाल के बस की बात नहीं है, देश के बस में नहीं है, ये तलीफार का काम है, गुरु सेठ का बस नहीं है, अपराधियों को देश द्रोहियों के बस में नहीं है, अपराधियों को यूपी से लेकर किया है, बलात्कारियों देश द्रोहियों के बीच में नहीं है, गुरु सेठ के बस में नहीं है, और आपने करवाया है, अमित शाह ने करवाया है, ये गुरु सेठ ने करवाया है, अमित शाह जी गुरु सेठ ने आपने करवाया है, ये देश को बर्बाद कर दिया, इकोनॉमी बर्बाद, ये गुरु सेठ ने करवाया है, लोग पैसे पैसे को तरस रहे हैं, और आप डाइवर्ट कर रहे हैं सीए लाल करके, क्या सीए करेगा? अरविंद ने साफ बोला सीए कहीं नहीं लाए, किसने लाए? आप जॉब सिक्योरिटी का बिल लाइए, जॉब सिक्योरिटी का बिल क्यों नहीं लेके आते? आप वो तो लाते नहीं है, क्योंकि आपके बस की बात कर रहे थे, वो आपके दिमाग में तो थोड़ी बार के दिमाग में ये देश के अंदर अपराध घुसे हुए, आपने सिर्फ यही बात करनी है कि बंद अपराधी अपराधियों को शरण दे, उनको करे और उनके साथ देश की जनता को, देश की जनता को जो है ना डराए, डरा करके काम करे। आप कुछ आपने कुछ नहीं किया, इतने सालों, पांच साल, 2015 में एनपीआर आया था, आपने कुछ नहीं किया, आप जस्ट बेवकूफ बना देते हो, जबरदस्ती का एनपीआर बेकार, एनआरसी फिजूल में, एनसी डबल फिजूल में, आप जॉब सिक्योरिटी का बिल क्यों नहीं लेकर आते बताइए? अरे आप ये बताइए कि सीए की जरूरत नहीं, विधानसभा क्यों नहीं लेकर आते हैं? जॉब सिक्योरिटी हमें नहीं जरूरत, बताइए आप एनपीआर बताइए हम देंगे, केजरीवाल क्यों नहीं लेकर आते हैं? जॉब सिक्योरिटी का बिल क्यों नहीं लेते बताइए? आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं लेकर आते? बताइए, अरे बताओ ना, आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं लेकर आते? हमें इनका आदमी बना दो, पुलिस कांस्टेबल पे तेजाब फेंक के, मैंने के लिए अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बन गया, कांस्टेबल पे हमारा सारा इस्तल तक ठीक कर देगा, पूरे देश को ठीक कर देगा, ये पूरे देश का, पूरे देश का है, ये भाव बनाने भाव ना है, पूरे देश की है, छह महीने दे दो, अरे छह महीने पड़ा हैं, पांच साल दिल्ली ने दे दिया, आपको जल्दी दिखा दें, आप दिल्ली के अंदर पुलिस नहीं देते और पुलिस को, अरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो मरवाते हैं लोगों को, कर लेते गोलियां चलवाते हैं पुलिस, अरे डीएम तो आपका है, अरे शर्म आनी चाहिए, अरे डीएम तो आपका है, अरे सीएम के पास, अरे डीएम तो आपका है, सीएम के पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो आपका है, बिजली तो आपका है, और सब जो भी हमारे पास था, सिक्योरिटी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? अरे आप बताइए पुलिस, सिक्योरिटी कमेटी चेयरमैन कौन होता है? डीएम पुलिस क्या होती है, पुलिस का क्या रोल है बताइए आप, डीएम का क्या रोल होता है? अरे पुलिस का रोल बताइए, चेयरमैन कौन होता है? पुलिस का रोल बताइए, आपको पता ही नहीं है शासन? चलिए अनिरुद्ध, तो ये सवाल का जवाब दे दीजिए, फैक्ट नहीं पता, अनिरुद्ध 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 इस बात का जवाब दे दीजिए, इस बात का जवाब दे दीजिए, जिस पुलिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं और दिल्ली में जो हिंसा हुई और पुलिस चुप बैठी रही, ये चल रहा है, ये जनता जानना चाहती है कि पहले ही एक्शन हो जाता तो जो जिंदगियां चली गई वो बच जाती, आगजनी नहीं हुआ, एक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं तो फिर आगजनी क्यों हुआ? गोली चलाने का एक्शन हुआ, अरे गोली चलाने, अरे शाहरुख आपका भाई था जो उसको गोली मार रहा था पुलिस पे, अब ये शाहरुख ने खुलेआम कत्ल किया है, हजार अंदर करो ना, बिल्कुल अंदर होंगे, चिल्लाना मत, छाती मत पीटना, छाती मत पीटना, करना बहानेबाजी, बिल्कुल चिन्हित करके कुछ नहीं, अपने भैया से कहना छाती नहीं पीटेंगे, पुलिस है छाती नहीं पीटेंगे, गृह मंत्री आपके
बिल्कुल बार नहीं करेगा कोई, हिसाब होगा बराबर होगा, छाती नहीं पीटेंगे, नो इज नॉट गोइंग, छाती नहीं पीटेंगे वो। अरे केजरीवाल से कहा छाती नहीं पीटेंगे, अरे वहां महिलाएं रो रही है, अभी जो आईबी का जो ऑफिसर है उसकी डेथ, किसने मारा? आपके लोगों ने मारा, आपके लोगों ने मारा, आपके लोगों ने मरवाया है, हत्या करवाते हैं, आपके लोग भड़काते हैं, सोलंकी को मरवाया है, करवाएंगे हत्यारे हैं बीजेपी वाले, क्योंकि आप हत्यारे हैं, आपने पुलिसों को हत्या किया, रतनलाल का हत्यारा आम आदमी वाले, रतनलाल का हत्यारा केजरीवाल, रतनलाल का हत्यारा केजरीवाल, रतनलाल का हत्यारा केजरीवाल, और इन सबके ऊपर रतनलाल का, अरे घुंघरू सेठ क्या कर रहा था बैठे दिल्ली में, घुंघरू सेठ पर है, घुंघरू सेठ क्या करता पूरा, अरे पूरा देश जानता है, सेठ क्या करता है जानती है, और इंटरनेशनल लेवल जानता है, अरे आतंकवाद की गुत्थी पिला रहे थे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, आतंकवादियों को शरण देता है, बलात्कारियों को फांसी से लटकाने को जाता है, कुछ भी नहीं, ट्रंप जी आए और आपको बेवकूफ बना करके निकल लिए, तीन अरब डॉलर का पैसा भी ले गए आपसे, हमारे देश का पैसा, $3 अरब चले गए, ये बताओ दिल्ली क्यों जला, ये बताओ दिल्ली क्यों जली, घुंघरू सेठ क्या कर रहे थे, तो एक दूसरे से पहले पूछ लीजिए दिल्ली क्यों जली, ये घुंघरू सेठ को नहीं बताएंगे, एक दूसरे से पूछ लीजिए दिल्ली क्यों जली, जी हाँ समय समाप्त हुआ अनिरुद्ध जी, अखिल खान समय समाप्त हुआ, आपने अपने समय की बर्बादी की है मुझे ऐसा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय बर्बाद करने के लिए अपना भी और हमारा भी, क्योंकि जिस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश के लिए बैठे थे वो सवाल ये था कि पहले सड़क पर पत्थर गोली और अब सियासी बोली में क्यों अंतर दिख रहा, खत्म हो चुका है सर, मत बोलिए प्लीज, दिल्ली का हाल क्यों इस तरीके से बिगाड़ा गया, बिगड़ा, पुलिस क्या कर रही थी, तमाशबीन क्यों बनी हुई थी, इसको लेकर जानना चाह रहे थे, तीन दिन हो गए, क्योंकि खुफिया तंत्र आपका एक्टिव होता तो तुरंत आपको पता लग जाता कहां भीड़ जुट रही है, कहां पर गोलियां चलने वाली, कहां डंडे तलवार जा रही है, लेकिन नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे आम आदमी पार्टी हो या केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस, खासकर आम आदमी पार्टी वाले ज्यादा चिल्ला रहे क्योंकि पुलिस केंद्र के अंडर आती है, लेकिन राज्य सरकार भी तो कोई जिम्मेदारी होती होगी, आपको कोई चीज दिख रही है तो आप उस पर एक्शन लेने के लिए नहीं कहेंगे, उसी जनता ने आपको सत्तासीन बनाया जनाब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, फेस टू फेस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए 9 टीवी के साथ।